अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद होगी आप सब अच्छे हो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट का जो पासवर्ड होता है काफ़ी काफ़ी साल हो जाते हैं, काफ़ी काफ़ी दिन हो जाते हैं, क्योंकि आदमी को पता नहीं होता कि मैंने पासवर्ड क्या डाला था, वो और भूल जाते हैं। तो कैसे आपको इसका पासवर्ड चेंज करना है इंस्टाग्राम का, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भूल भी गए तो आपको पता कैसे करना है या चेंज कैसे करना, सब इसी वीडियो में हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को जोर दबा लेना है, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आपका अकाउंट जो है लॉग आउट है और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट का जो पासवर्ड है वो भी नहीं पता, तो अब आपको कैसे इसको पता करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर सिंपली आपको नीचे वाला जो ऑप्शन मिल जाता है इंस्टाग्राम लॉगिन, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलने के बाद में दोस्तों आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको फॉरगेट वाला जो पासवर्ड लिखा है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करने क्या है, दो तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल, फ़ोन नंबर और यूजर नेम, ठीक है। इन तीनों में से आपको कोई भी आपके पास यह होगा तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सिंपली चलिए हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। चलिए ईमेल आईडी हम यहाँ पर डाल लेते हैं, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पर हम सिंपली सेंड लिंक पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमने सेंड लिंक पर आपको क्लिक कर दिया है और यहाँ पर अभी जो हमारे ईमेल आईडी के ऊपर एक कोड जाएगा दोस्तों, तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम आई एम रोबोट पर ओपन पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। ये पहले नहीं आता था दोस्तों, अभी आता है। अब यहाँ पर हमारे पे एक जीमेल यानी कि मेल किया जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर सेंड मेल लिख दिया है। तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे ईमेल पर एक पासवर्ड या एक लिंक आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पर रिसेट पासवर्ड करने के लिए बोला जा रहा है, देख सकते हैं आपका नया पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए हम यहाँ पर नया पासवर्ड के लिए क्लिक कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, बिना आपके जैसे कि आपके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है और क्या नाम आपके पास ईमेल भी नहीं है, किस तरह से उसको करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। तो प्लीज़ यहाँ पर आप क्या करना है, नया पासवर्ड डाल देना। चलिए मैं यहाँ पर नया पासवर्ड डाल लेता हूँ और आपको मैं दिखा दूँगा, कम से कम 6 कैरेक्टर का दोस्तों ये पासवर्ड होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर हमने दोनों दोस्तों पासवर्ड यहाँ पर सेम टू सेम डाल लिया और यहाँ पर रिसेट पासवर्ड डालने पर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये अब जो आपका पासवर्ड होगा यहाँ पर इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं क्रोम ब्राउज़र में हूँ, इसके लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज भी आ चुका है कि यहाँ पर आपका पासवर्ड जो है चेंज हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सीधा अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको दोस्तों किस तरह से आप बिना फ़ोन नंबर के, बिना ईमेल के, बिना किसी यूजर नेम के आप कैसे अपने पासवर्ड का पता लगा सकते हैं। अगर जिस भाई को पता लगवाना है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए और कमेंट करके मैं आपको इंशाल्लाह 100% जानकारी आपको दे दूँगा वहाँ पर भी। अल्लाह हाफिज़।